सोलन में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश से सोलन का किसान बेहद चिंतित है। किसानों की माने तो आसमान से बारिश उनकी फसलों पर आफत बनकर गिरी है, जिसके चलते उनकी फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों के अनुसार बेमौसमी हो रही इस बारिश की वजह से उनकी फसल काफी हद तक नष्ट भी हो चुकी है। कोरोना के इस संकट में जहाँ आय के साधन बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, वहीं बारिश की वजह से खराब हो रही फसल ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो उनके वर्ष भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। किसानों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जून माह में बारिश होने की वजह से उनकी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पिछले माह हुई बारिश मक्की की बिजाई के लिए ठीक थी, लेकिन आजकल हो रही बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसल को भारी क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि कई किसानों की तो 70% फसल खराब हो चुकी है। बारिश की वजह से जो बीमारी अक्टूबर माह में पौधों में आती थी, वो जून माह में ही देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि बारिश से खराब हो रही फसल का सर्वे करवाया जाए और किसानों को उचित मुआवजा भी दिलवाया जाए। ऐसा है कि भी अगर इस महीने में, जून के महीने में अगर ऐसी बारिशें हुई तब तो ये नुकसान ही है। बाकी जो पिछले महीने की बात थी तो वो चलो फिर भी ठीक थी, पर गर्मी के महीने में अगर गर्मी ना हो तब तो नुकसान ही है बारिश का। कहने का मतलब ये है कि बारिशें आजकल चाहिए ही नहीं होती है। तो खेती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? खेती में बीमारियां आ रही है, बारिश के साथ ओले आ रहे हैं, तो नुकसान ही नुकसान है। बाकी अब जो होती थी वो होती थी मक्की की बिजाई के लिए बारिश, तो उसके लिए तो ठीक हो गई। अब बारिशें नहीं होनी चाहिए, इसका नुकसान ही होगा। मैं अमित कुमार सपरून से हूँ। बेसिकली हमारा फार्मिंग का ही काम है। जो इन दिनों बारिश हो रही है और जो ओले पड़ रहे हैं, उससे जो है किसानों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये बारिश जो है ठीक नहीं है किसानों के लिए। इससे नई नई बीमारियाँ, ब्लाइट जो कि अक्टूबर में आता था वो ऑलरेडी पहले ही आ चुका है 2 महीने पहले। अभी टमाटर लगी है, कैप्सिकम लगी है, बीन लगी है, खीरा, कुकुम्बर, सारी फसलें जो है किसानों के खेतों में लगी है, लेकिन उसका जो बारिश से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जो हमारा कृषि का जो क्षेत्र है उसमें ओलों से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इस साल हुआ है। जो बारिश जो इस साल में जो बारिश हुई हुई है वह जो है बेमौसमी बारिश है, उससे कम से कम जो है फार्मर को कम से कम 70% का नुकसान जो है हुआ है। हमारा गवर्नमेंट से यही रहेगा कि जो किसानों को जो नुकसान हुआ है बेमौसमी बारिश से, इसका मुआवजा अगर वो कुछ दे सके, क्योंकि ओलों से बहुत नुकसान हुआ है। उसमें टमाटो, कैप्सिकम, शिमला मिर्च और जो हमारे जो ऑर्चर्ड जो बगीचे हैं सेब के और फलदार जितने भी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगभग जो पूरी अगर मार्केट सोलन के एरिया की बात करें, सोलन सिरमौर की, तो लगभग 30 से 40% का एरिया तो खत्म हुआ है इस ओले की वजह से, जो बड़ा घातक परिणाम करेगा।